प्रतापगढ़। पूर्व राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनने का किया दावा। प्रतापगढ़ में पूर्व राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने 3 राज्यों में सरकार बनने का दावा करते हुए कहा कि 3 राज्यों में हमारी सरकार बनने जा रही है और भाजपा से सीधा मुकाबला है। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश सरकार कांग्रेस बनाने जा रही है। जनता के आशीर्वाद से और जनता के विश्वास से उन्होंने कहा कि तेलंगाना में भी एक नई पार्टी है जिससे हमारी सीधी लड़ाई है, वहां पर भी सरकार बनाने की उन्होंने अपनी संभावना जताई। उन्होंने कहा कि भाजपा की जहां जहां पर सरकारें हैं अपराध और भ्रष्टाचार वहां पर चरम पर है। जनता डर के माहौल में जी रही, विकास के नाम पर भाजपा ने कुछ नहीं किया, सिर्फ जनता से छलावा किया। कांग्रेस गरीब लोगों की सेवा में सदैव तत्पर रही है, सभी वर्ग के लोगों का अब होगा विकास। जनता ने सेवा का मौका दिया तो प्रतापगढ़ के विकास पुरुष के नाम पर जाने जाते हैं। वहीं पूर्व राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी प्रतापगढ़ से राष्ट्रीय स्तर के बड़े नेताओं में शुमार हैं। अपनी सरकार बनाएगी और बनाएगी तो क्यों? देखिए, कांग्रेस का 3 जगह पर भाजपा से सीधा मुकाबला है, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश। ये तीनों हम जीतेंगे, भारी बहुमत से जीते। 2 जगह, 1 जगह हम तेलंगाना में, वहाँ की जो स्थानीय पार्टी तेलंगाना प्रजा पार्टी उससे हमारा मुकाबला है, वहाँ भी तेलुगु देशम के साथ गठबंधन जो हमारा जीतेगा। मिजोरम में भी भाजपा नहीं न तेलंगाना में है, वहाँ भी हमारी लड़ाई एक स्थानीय नई पार्टी बनी है उससे है और हमें पूरी उम्मीद है कि हम सरकार बनाएंगे। तो 3 जगह भाजपा जहां है, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, वहां मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है।